अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस कराची किंग्स। कल रात एक बहुत ही ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला हुआ जिसमें कराची किंग्स एक रन से वो मैच जीत गया, एक रन से। और एक रन से मैच जीतने के बाद कराची ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। मतलब लाहौर कलंदर आउट, मुल्तान सुल्तान आउट, अब कराची किंग्स जो है ना वो प्ले ऑफ में वो आ गया। एक 190 रन्स का टारगेट, 190 रन्स बनाए थे पांच खिलाड़ी आउट होने पर, और 191 रन्स का टारगेट था क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए, और 189 रन्स क्वेटा ग्लैडिएटर बना सका। एक स्कोर की दूरी से एक यकीनी विक्ट्री थी क्वेटा ग्लैडिएटर की, जो उन्होंने अपने गलत शॉट्स की वजह से, जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो मैच हार गई हैं। आखिरी ओवर उस्मान शिनवारी ने, जो कराची किंग्स के बॉलर हैं, उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त बॉलिंग किया कि तीन खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया। ठीक है, कराची किंग्स की तरफ से बाबर आजम ने 56 रन्स बनाए हैं, कॉलिन मुनरो ने बड़ा अच्छा 30 प्लस उन्होंने रन्स बनाए हैं, फिर इफ्तिखार अहमद ने नट आउट इनिंग्स खेली लास्ट ओवर्स में, 44 रन्स उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, 190 तक कराची को दिया। उसके बाद अहमद शहजाद ने 99 रन्स बनाए हैं, और आखिरी ओवर में उस्मान शिनवारी की मतलब बॉल पे जो है ना वो उन्होंने एक गलत शॉट खेल के कैच आउट हो गए, एक रन सिर्फ सेंचुरी से एक रन की दूरी पे आउट हो गए हैं। और उसके बाद सरफराज आउट हो गए, तीन खिलाड़ी उन्होंने, उस्मान शिनवारी ने ऐसी तबाहकुन बॉलिंग की है कि आखिरी ओवर में पांच रन नहीं बनने दिए, तीन खिलाड़ी भी आउट कर दिए और मैन ऑफ द मैच भी वो रहे, बड़ा ज़बरदस्त है। उमर अकमल ने एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से। शेन वाटसन मतलब 10 से ज़्यादा रन्स नहीं बना सके हैं, मतलब 10-18 रन्स मेरा ख्याल है उन्होंने बनाए हैं। तो बहरहाल कराची किंग्स के एक बड़ी गुड लक है कि वो उन्होंने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर दिया है। आज भी दो मैचेस हैं, ठीक है, आज एक लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान है, ये मेरा ख्याल है 2 बजे खेला जाएगा। उसके बाद जो है पिशावर जलमी का मैच है कराची किंग्स के साथ, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है आज के मैच में लाहौर कलंदर ले जाएगा मैच, और इसके अलावा जो दूसरा मैच है उसमें भी आज कराची किंग्स मुझे लग रहा है कि वो हॉट फेवरेट है, मज़ा आएगा मैच देखने का। बहरहाल क्योंकि कल का मेरा ख्याल है मैच है, उसके बाद जो ना उसके बाद एलिमिनेटर राउंड्स हैं उस पर भी बात करेंगे, एक मज़ा आ रहा है मैच खेलने का, मैचेस देखने का। तो कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको PSL 4 के मैचेस में आपको कैसी इनिंग्स लग रही हैं, और आपके ख्याल में कौन सी टीम है जो ये विन कर पाएगी ये टूर्नामेंट, क्योंकि अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड है ना सबसे हाईएस्ट टोटल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिया हुआ है, और डिफेंडिंग चैम्पियन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो इस पर भी बात करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि रीसेंट अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शहबाज़ इकबाल को इजाज़त दें, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।